हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए चैनल। जो वोकैब जहाँ पर आपको मिल रही है वोकैब ऑन डेली बेसिस। तो आज का हमारा वर्ड है डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स बेचैन और बेचैनी दोनों। ये एक एडजेक्टिव भी है। एज अ एडजेक्टिव यूज करोगे तो इसका मतलब है बेचैन और एज नाउन यूज करोगे तो इसकी मीनिंग है बेचैनी, अ फीलिंग ऑफ वरी। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, ताकि हमारी मीनिंग और भी क्लियर होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है द नॉवल इज अ टेंस थ्रिलर दैट विल डिस्क्वाइट द रीडर। एक नॉवेल है जो टेंस थ्रिलर है, डेट विल डिस्क्वाइट द रीडर, जो रीडर को डिस्क्वाइट कर देगी, जो रीडर को बेचैन कर देगी। सेकंड एग्जांपल है आई गेट डिस्क्वाइट इन डार्क एंड डेजर्टेड प्लेसेस। मैं क्या हो जाता हूँ, मैं बेचैन हो जाता हूँ डार्क अंधेरी वाली जगहों में। थर्ड एग्जांपल है देयर इज कंसिडरेबल पब्लिक डिस्क्वाइट अबाउट द सेफ्टी ऑफ ट्रेन्स। जो पब्लिक डिस्क्वाइट है, जो पब्लिक की बेचैनी है, वो कंसिडरेबल है, वो विचारणीय है अबाउट द सेफ्टी ऑफ ट्रेन्स। जो ट्रेन्स की सेफ्टी को लेकर पब्लिक में डिस्क्वाइट है, पब्लिक में बेचैनी है, वो कंसिडरेबल है। कंसिडरेबल का मतलब होता है विचारणीय, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कंसिडरेबल एक ऐसा वर्ड है जिससे मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए कवर कर दूंगा और बहुत ही जल्दी वो वीडियो आ जाएगा। कंसिडरेबल का मतलब होता है विचारणीय। आपको इस वोकैब के चैनल में सिर्फ और सिर्फ ये मिलता है कि यहाँ पर मैं आपको वर्ड्स तो रिवाइज करवाता ही करवाता हूँ, प्लस कोई ऐसा वर्ड मेरे एग्जाम्पल में आता है जिसकी मीनिंग आपको क्लियर नहीं है, मैं वो एग्जाम्पल भी क्लियर करता हूँ। चलो मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।